दोस्तों अगर आपको इस होली पे आपका पलड़ा भारी करना हो तो फ्रेंड्स आपको ये पिचकारी बनाना तो मस्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पिचकारी में आप किसी भी इंसान को एकदम पूरी तरीके से भिगा सकते हो, और वो फ्रेंड्स एकदम उसका एक प्लस पॉइंट होने वाला है कि वो फ्रेंड्स वो हम अपने घर पे बनाने वाले और एकदम ड्यूरेबल बनाने वाले और वो पीवीसी पाइप के बनाने वाले। जो भी फ्रेंड्स हम मार्केट से जो मेड इन चाइना वाली पिचकारियाँ लाते हैं तो फ्रेंड्स वो जल्दी खराब हो जाती है, और उसका जो प्लास्टिक होता है वो एकदम चीप होता है, इससे वो टूट जाती है पिचकारी। लेकिन जो फ्रेंड्स हम पिचकारी बनाने वाले वो एकदम हाईली ड्यूरेबल होने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स वो बनाने वाले हम एक पीवीसी पाइप के द्वारा, और वो एकदम चीप रेट में बनाने वाले, जो आप 10-20 रुपए के इतनी छोटी साइज की जो पिचकारी यूज करते हो उससे भी चीप रेट में वो बनने वाला है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ नॉलेजफुल भी होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी देखना मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। फ्रेंड्स चलते हैं हम हमारी वर्कशॉप के। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पाइप ले ली है, दो पाइप ले ली है फ्रेंड्स, एक छोटी पाइप है और एक उससे बड़ी पाइप है, उसके मतलब जो डायमीटर में एक छोटी पाइप है और डायमीटर में एक बड़ी पाइप है। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि जो छोटी वाली पाइप है वो फ्रेंड्स हमें बड़ी वाली पाइप से ज़रा बड़ी ही लेनी है, जिससे हमारे हाथ में ग्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्रेंड्स इससे भी बड़ी लेनी है, जिससे एक अच्छी ग्रिप आपके हाथ में आ जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से इसके अंदर जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप इस छोटी पाइप से भी और भी एक छोटी पाइप होती है वो ले सकते हैं, उससे भी अच्छा वर्क करेगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का वो फिटिंग हो रहा है आसानी के तरीके से। तो फ्रेंड्स हम बाज़ार से नहीं लाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो महंगी भी होती है और जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये सारा प्लम्बिंग का रह गया वो सा सामान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने पीयूसी के दो सीट के सर्कल करके दो सर्कल मैंने कर लिए, और वो एक सर्कल हमारे छोटे पाइप का कैप के हिसाब से है, और दूसरा वाला सर्कल जो बड़ा सर्कल है वो हमारे बड़ी पाइप के कैप के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स उसके बीच में मैंने एक सर्कल कर लिए जो फ्रेंड्स हमारे छोटे पाइप के डायमीटर का है। तो उसको सेम प्ले हम क्या करने वाले हैं कि उसे कट करने वाले। तो कौन सा पोर्शन हम कट करने वाले, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्शन हम कट करने वाले पूरी तरीके से। फ्रेंड्स आप एक जो हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है उससे होल मार के आप उसे बीच में से सर्कल कट कर सकते हो, और उसका क्या उपयोग होने वाला है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा आपकी वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने हमारे जो टायर होते हैं बाइसिकल के या फिर गाड़ी के, तो फ्रेंड्स उसका जो टायर होता है अंदर का ट्यूब होती है, तो उसको निकाल देंगे फ्रेंड्स सिंपली हम, रह गया आप किसी भी साइकिल रिपेयर की शॉप से ले सकते हो। तो उसके हिसाब से जो छोटा वाला सर्कल था उसके हिसाब से हम सर्कल को काट लेंगे रबर के, और इस तरीके से कुछ हम फ्रेंड्स इस तरीके के चार सर्कल्स काट लेंगे। जो फ्रेंड्स टायर की बात मतलब ट्यूब की बात थी वो फ्रेंड्स आपको कहाँ भी मिल जाएगी, आपके घर में भी मिल जाएगी, तो ये भी इसका भी कोई खर्च नहीं होता। तो इस तरीके के इसके एक पे के ऊपर एक रख के फ्रेंड्स हम इसे फेविक्विक से चिपका लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो पूरा रबर का सर्कल था वो रेडी हो चुका है, और वो जो हमारे छोटी पाइप के डायमीटर के हिसाब से है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने बोतल की जो ऊपर की साइड होती है हमारे प्लास्टिक की बोतल की उसे काट लिया है, और सिंपली वो फ्रेंड्स हमारे जो बड़ी वाली पाइप है उसके हिसाब से मैंने उसके पिछले साइड कट कर दिए, तो सिंपली उसे हम चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके जो छोटी वाली सर्कल बनाया था हमने, तो उसको कैप को हमने चिपका दिया छोटी वाली पाइप में, और एक स्क्रू ले लिया फ्रेंड्स मैंने इस तरीके का। तो उसको क्या करेंगे, उसको और जो फ्रेंड्स हमारा रबर मतलब सर्कल बनाया है रबर का हमने, तो उसको स्क्रू अप कर लेंगे छोटी वाली पाइप को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे स्क्रू अप कर लिया है, और क्या करने वाले कि फ्रेंड्स इसे स्क्रू अप आप देख सकते हैं, आप इसकी जगह फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविक्विक से इतना मजबूत नहीं होगा, आप स्क्रू अप करके उसके बाद फेविक्विक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने वो कैप ले लिए जो हमने प्लास्टिक की निकाली थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच में हम होल करके और उसको एक साथ चिपका लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने चिपका दिया है ऊपर की साइड में। फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से चिपकाना है, आप उसमें ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारे आइडिया क्या है कि जो फ्रेंड्स हमारी बॉटल की कैप होती है उसमें फ्रेंड्स हम मल्टीपल होल करके एक शावर का भी पिचकारी तैयार कर सकते हैं, सिंगल होल करके एक लॉन्ग रेंज की पिचकारी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही पिचकारी में हमारे बहुत सारे उपयोग होने वाले हैं, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने उसमें बॉटल की जो ऊपर की साइड होती है तो वो लगाई। तो पिछली साइड में सिंपली हमारा पिस्टन लगा देते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं रबर का पिस्टन हम।
तो उसको अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जगह रह गए तो फ्रेंड्स, और जो सर्कल हमने कट किया था बीच में भी कट किया था, उसको उसके अंदर फिट करने वाले सिंपली। तो इस तरीके से उसको अंदर फिट कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से हमने इसे फिट कर दिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम फेविक्विक डालने वाले हैं। अब फेविक्विक से एकदम फ्रेंड्स मजबूत होने वाला है। फ्रेंड्स आपको ज़रा भी उस जो छोटी वाली पाइप है उस पर नहीं डालना है, तो वो पिस्टन हमारा चिपक के रह जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा पिस्टन है वो फुल्ली वर्क कर रहा है। मैं ज़रा आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे फ्रेंड्स आप एक टी का पीस भी लगा सकते हो जिससे आपको एक ग्रिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारी जो पिचकारी है वो रेडी हो चुकी है और एकदम चीप रेट में हो चुके हैं, क्योंकि सारे सामान तो हमें हमारे घर पर मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ फेविक्विक ही बाहर से लाने की ज़रूरत है, बाकी कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का डिज़ाइन एकदम हो चुका है, और आपके दोस्तों को तो लगेगा भी नहीं कि ये पिचकारी को, तो यही लगेगा कि वो एक पाइप है और वो भी भीग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की जो हमारी पिचकारी है वो रेडी हो चुके हैं, फुल्ली रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की जो हमारी पिचकारी रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम इसे टेस्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहेंगे। तो जल्दी से अब हम इसे दोस्तों सिंपली हम हमारे पिचकारी को भर लेते हैं इस तरीके से पूरी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्रेशर वो डेवलप कर रहा है, और कितना फ्रेंड्स वो कितनी दूरी तक उसे भेज रहा है हमारे पानी को, जिससे फ्रेंड्स हमारा जो सामने वाला इंसान पूरी तरह से भीग जाने वाला है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे चैनल के साथ।